नमस्कार। खूंटी जिले की बड़ी खबरों का शुरुआत करते हुए बता दें कि गुरुवार की सुबह खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर दियांगखेल के पास बस और ट्रेलर में सीधी टक्कर हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में बस में बैठे सभी यात्री बाल बाल बच गए। बता दें कि यात्रियों से भरा मंत्री नाम का बस जो राउरकेला से चलकर यूपी के मुजफ्फरनगर जा रहे थे, इसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे में घायल हुए सभी यात्रियों को तोरपा के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं अगली खबरों में बता दें कि मातृ शिशु अस्पताल परिसर खूंटी में सीनी संस्था द्वारा संचालित कोविड सहायता केंद्र का सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार के द्वारा उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया। साथ ही कोविड 19 के प्रति जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में जागरूकता हेतु रवाना किया गया, ताकि लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी क्रम में डॉक्टर प्रभात कुमार ने कोविड सहायता केंद्र के विधि व्यवस्थाओं का विस्तार से जानकारी ली। खबरों में आगे बता दें कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। लोग बिना मास्क लगाए बिना किसी डर का अपने जरूरत के सामानों का खरीदारी कर रहे हैं। प्रशासन के टीम का मौजूदगी है, पर वहां प्रशासन की टीम एक मूक दर्शक बनकर खड़े रहकर तमाशा देख रहे हैं। ये भीड़ मुरू के साप्ताहिक बाजार का है, जहां कोरोना नियमों का कहीं भी किसी भी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। अगर जिला प्रशासन के द्वारा इस पर किसी भी तरह से सख्ती नहीं बरती गई, यही स्थिति रही तो शायद कोरोना विस्फोट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगली खबरों में बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को स्थानीय भाषा में कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से चलाया जा रहा है। खबरों में आगे बता दें कि खूंटी के अनिगाड़ा स्थित इंडियन ऑयल के टर्मिनल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, क्योंकि वहां काम करने वाले कई कर्मचारी एक साथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके चलते पूरे टर्मिनल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। खबरों में आगे बता दें कि खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण चौधरी ने जिलेवासियों से अपील की है कि कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाएं, किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं आएं, किसी के बहकावे में नहीं आएं, कोरोना के टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कोरोना का टीकाकरण कराएं। खूंटी जिले की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ गुंजन।